परिणाम से पहले हरीश रावत ने फिर छोड़े चुनावी तीर, कहा सरकार बनी तो देंगे मुंडन पेंशन। हरदा ने सीएम धामी के बयान पर ली चुटकी, बोले लगता है मुंगेरी लाल बीजेपी का रिश्तेदार है। चमोली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता। नैनीताल हाईकोर्ट ने सांसदों व विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की मांगी लिस्ट। एसटीएफ के हत्थे चढ़े 3 साइबर ठग, मुद्रा लोन के नाम पर करते थे ठगी, देश भर में फैला है नेटवर्क। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 10 मार्च को नतीजे आने हैं, उससे पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक और शिगुफा छोड़ा है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वो सबसे पहले कर्मकांड करने वाले लोगों की सुध लेंगे, साथ ही राज्य सरकार उनसे लिए सम्मान पेंशन प्रारंभ करेगी, क्योंकि पहले ये मुंडन कर्म करने वाले लोग कम होते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे समय समय के साथ विलुप्त होते जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले बयान पर चुटकी ली है। हरीश रावत ने कहा है कि ऐसा लगता है मुंगेरी लाल बीजेपी का कोई रिश्तेदार है। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि उनके पास मुख्यमंत्री बनने या घर बैठने के अलावा कोई काम नहीं है। हालांकि हरीश रावत ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बयान का भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान का जो भी आदेश होगा सभी लोग उसका पालन करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कई इच्छाएं दबकर रह गई हैं। हालांकि अब वे धीरे धीरे अपने दिल की बात जनता से सामने रख रहे हैं। हरीश रावत इस चुनाव में अपनी बेटी के साथ बेटे को भी टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हरीश रावत ने मतदान खत्म होने के बाद कहा कि अगर पार्टी उनके बेटे को भी टिकट देती तो वो जीत जाता। उत्तराखंड में चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी तीर अभी भी जारी है। हरीश रावत के सीएम बनने वाले बयान पर बीजेपी नेता उन पर तंज कस रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार लाल कुआं की जनता हरीश रावत को घर ही बिठा देगी। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोपहर 2:24 पर यह झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर गहराई में था और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई है। हालांकि अभी तक भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। उत्तराखंड के सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धने की खंडपीठ ने मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कितने अभी विचाराधीन हैं। इनकी जानकारी 3 मार्च तक कोर्ट को बताएं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म रत्सासन रिमेक की शूटिंग के लिए उत्तराखंड में है। फिल्म की शूटिंग देहरादून, मसूरी सहित कई जगहों पर हो रही है। वहीं गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने आईटीबीपी के जवानों के साथ वॉलीबॉल खेला। इस दौरान अभिनेता अक्षय कुमार ने सीमा द्वार आईटीबीपी परिसर में आईटीबीपी के डीजी संजय अरोड़ा और जवानों से मुलाकात भी की। अक्षय की अपकमिंग फिल्म रत्सासन में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह भी हैं। दोनों पिछले 15 दिनों से उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो कम ब्याज पर मुद्रा लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों से ऑनलाइन ठगी किया करते थे। इस गिरोह का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। ऋषिकेश में गत्ता फैक्ट्री में काम करते वक्त एक ऑपरेटर मशीन के नीचे आ गया। आनन फानन में उसे एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं फैक्ट्री मालिक ने ऑपरेटर के इलाज के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया है, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। गवाहों की सुरक्षा को लेकर दायर स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 22 फरवरी तक गवाह सुरक्षा को लेकर सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।